अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुकिए, हम बात करके आए। नंदन बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि घर की पूजा में ना बैठ सकूं। मुझे शाम दो ना। मैं नहीं बेटा, नहीं। हम सबको तुम्हारी चिंता है। तुम्हें कुछ हो गया तो ये पूजा कैसे हो पाएगी? और यदि पूजा नहीं हुई तो क्या तुम चाहते हो बेटा? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं खुद के साथ? रुको ताने, वहां कहां जा रही हो? वापस अपने कमरे में जाओ, वरना बड़ी माँ को तुम्हारे शराब कांड के बारे में ना सब कुछ बता दूंगी। पर इस बार जो अच्छाई का पर्दा हटा ना, तो सात जन्म में भी खुद को सही साबित नहीं कर पाओगी। बाहर सुमन के साथ गया तो वहां पे बेहोश हो गया, या घर की पूजा में शामिल होना चाहता हूँ, आप लोग शामिल नहीं होने दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करूं? आप चिंता मत करिए, हम बात कर लेंगे नंदन से। सदा सुखी रहो, तुम दोनों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। चलो अच्छा हुआ, ये पूजा अच्छी तरह संपन्न हो गई। जाने अनजाने में ही सही, समधन जी के मुंह से निकल गया। शायद कान्हा जी यही कहना चाह रहे होंगे कि हम ये पूजा कर लें। तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। कान्हा जी कृपा करें, कृपा करें कि राधा कृष्ण का जोड़ी बन के ना रह जाए तुम दोनों का जोड़ा। प्रार्थना करो भगवान जी से कि इसको रुक्मणी का दर्जा मिल सके। सही बोल रही है बड़की समधन, नंदन बाबू की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
छुपाया छुपाया जा रहा है मुझसे। अंशुमन जी, ये आवाज तो नंदन के कमरे से आ रही है। आप डॉक्टर को फोन करिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम नंदन से बात करके आते हैं। अरे तानिया को बुलाओ कोई, हम देखते हैं। अरे इतना पीने का क्या जरूरत था है? वो भी आज हमने इतना अच्छा खेला का मैदान तैयार किए थे आपके लिए, क्या कर रही हैं आप? कि तेवर का जेवर बनाइए, अभी भी टाइम है, पूरा खेला के लिए मैदान खाली पड़ा है आपके लिए, जाइए जल्दी जाकर मौका का फायदा उठाइए। नंदन को आपका जरूरत है, जाके सबकी आंख का तारा बन जाइए ताकि किसी को भी ना आपको अपनी आंख का किरकिरी बनाने का मौका ना मिले। बेटा, तुमने अपनी माँ की बात को दिल से लगा ली। हम मानते हैं गलती हमारी है, हमने तुम्हें पूजा में आने से रोका, लेकिन बेटा इसके पीछे सिर्फ हमारा एक ही मकसद था कि तुम्हारे सेहत पे कोई गलत असर ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेहत की चिंता थी। बेटा मैं अपनी माँ की बात को ऐसे दिल पे लगाता है क्या? नहीं मैम, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो कभी कभी मैं खुद के ही वश में नहीं रहता माँ, पता नहीं क्या हो जाता है। पूजा तो घर में सभी के लिए होती है ना? हाँ, पूजा तो सबके लिए होती है, लेकिन शायद हम में से किसी को तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। आंटी, इस वक्त हमारे लिए नंदन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूजा वगैरह तो बाद में भी हो जाएगी, नंदन का ध्यान रखने से बड़ी पूजा और कुछ भी नहीं होनी चाहिए अभी। नंदन, दवाई ली? नहीं ली होगी ना, मैं देती हूँ। तान्या जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मेडिसिन तो मेरी सुमन है। मुझे बात करनी है सुमन से, वो भी अकेले में। मां तो प्लीज आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटा लेकिन माँ, माँ प्लीज आप समझिए ना, सुमन से बात करनी है अकेले में, बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। नंदन, सुमन से तुम्हें अकेले में जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी दवाई लो और आराम से सो जाओ, फिर तुम्हारी तबीयत भी तो। नहीं बिल्कुल, प्लीज आप बात को समझे, सुमन मेरी पत्नी है और मुझे उससे अकेले में बात करनी है, प्लीज हमें अकेले छोड़ दीजिए।
मेरी अर्धांगिनी हो, मैं आधा हिस्सा हूं तुम्हारा, और तुम मेरा नियति का कोई भी खेल। मैं तुम्हें अकेले सहने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर चुनौती में मेरी आधी हिस्सेदारी होगी। हर मुश्किल का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम मेरी पत्नी हो सुमन, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ देने का वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। सुमन, नंदन, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? यहाँ यहाँ बैठो। क्या ये सच मुझसे छुपाया जा रहा था? मुझे माफ कर दो। I'm really very very sorry. मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा। तुमने विधवा के रूप में कितना सब कुछ सहा होगा सुमन। हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं वापस लौट कर आया था, तुम्हारे चेहरे पर उदासी और बेचैनी क्यों थी, तो कैसे इस घर के सभी लोगों ने तुम्हें विधवा के रूप में जीने के लिए कहा होगा, जब उन्हें लगा होगा कि मैं वापस लौट कर नहीं आने वाला। बड़ी माँ ने कितना मजबूर किया होगा तुम्हें, कितना परेशान किया होगा। ये सब तुमने मुझसे नहीं कहा, हा? लेकिन इस तस्वीर ने बिना तुम्हारे कहे तुम्हारी सारी सच्चाई कह गई। नंदन, बीती बातों का अब क्या मायने है? वो बीता हुआ वक्त था, और नाना जी हमसे हमेशा कहते हैं, बुरे वक्त को याद करने से अच्छा है उससे कुछ सीख लो और अपने आज को अच्छा बनाओ। हम अपने आज में जी रहे हैं नंदन, तो पुरानी यादों को, पुरानी बातों को अपनी जिंदगी से निकाल कर ही जीना होगा ना। बिल्कुल जीना होगा, और हम आज में जिएंगे भी। मैं तुम्हारे मन से अतीत के सारे बुरे वक्त को मिटा दूंगा सुमन, आई प्रॉमिस। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी है नंदन, तुमने लौटने में बहुत देर कर दी। अब हम अतीत के किसी भी पन्ने को पलटना नहीं चाहते। मैं आ गया हूं सुमन, अब तुम्हारे हर एक पल को मैं खुशियों में बदल दूंगा। थोड़ा नंदन आ गया, रुके। सुमनिया की जिंदगी दो नावों पे सवार है, और सब जानते हैं कि जो दो नाव का आस किया उसका डूबना तय है।
अंशुमन जी, अब बहुत हो गया, हम अपना धैर्य खोते जा रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, अब ये बहुत हो गया। खुद को संभालो सुमन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हम जानते हैं अंशुमन जी, लेकिन झूठ का बोझ बढ़ता जा रहा है, कितना झूठ, कितना नाटक करवा रहा है वक्त हमसे। अंशुमन जी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें नंदन को सब सच बता देना चाहिए। नंदन की ऐसी हालत हमें डरा रही है, हम डर गए अंशुमन जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमने देर कर दी और नंदन को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जितनी देर होगी दर्द भी उतना ही होगा, हमें भी और नंदन को भी। इसलिए अंशुमन जी, हमें इस दर्द से निकलने का उपाय जल्द से जल्द निकालना होगा, हमें कुछ करना होगा, हम नहीं कर पा रहे। तुम ठीक कह रही हो सुमन, झूठ का पर्दा चाहे कितना भी बड़ा हो, सच को ढक नहीं सकता। वो तो हमें परिस्थितियों ने मजबूर कर रखा है। तुम चिंता मत करो, मैं सबसे बात करता हूं। नंदन का जिंदगी बचाने के लिए हमको तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है, उसको उसका सुमन वापस कर देना चाहिए। अब ये क्या कह रही हैं, अब ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है देवर जी, काहे नहीं हो सकता है, काहे नहीं सुमन और अंशुमन का तलाक करा के सुमन और नंदन का शादी फिर से करा दें हम। सारा समस्या का समाधान एक बार में हो जाएगा बाबू जी। दीदी कुछ भी बोल रही हैं आप, सुमन इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, वही क्या कम है? चटकी, तुमको तो हमारा बात कभी सही लगता नहीं है। हम देखो अंशुमन और सुमन का शादी कराने से मना किए थे, नहीं सही लगा तुमको, अब देखो नतीजा सबके सामने है। देखो बड़की बाबू जी, कभी कभी घर का भलाई के लिए, घर के बच्चों के भलाई के लिए कड़ा फैसला लेना पड़ता है। आज तो नंदन बहुआ का जिंदगी दांव पे लगा है, इसलिए हमको लगता है कि सुमन और नंदन का शादी करा देना चाहिए। इस घर में कभी कोई सुमन के बारे में सोचेगा? सुमन हमेशा हर हालात में इस घर के लिए खड़ी रही है, उसे समझ क्या लिया हमने? सुमन कोई कठपुतली या खिलौना नहीं है, जिसे जब चाह जैसे चाह इस्तेमाल कर लिया, कभी इससे शादी कभी उससे तलाक। ठीक है, तो आज भी जो फैसला हो घर का भलाई के लिए ही हो, हम भी देखें कौन किसका कितना साथ देता है। सुमन हर स्थिति में हर पल इस घर के साथ खड़ी रही है बड़ी मन, लेकिन आप एक बात मत भूलिए कि सुमन मेरी पत्नी भी है, और मैंने सुमन से सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं की है। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई हमने, और आज हम दोनों आप सबको यहां ये बताने आए हैं कि हमें नंदन को सब कुछ बता देना चाहिए। जितनी देर होगी समस्या उतनी बढ़ेगी। प्रेम तो सुमन ने नंदन के साथ भी किया था, और उसी प्रेम के चलते तुमको ठुकरा के नंदन से शादी भी कर लिया था, किया था कि नहीं है? अब वही प्रेम का दावा तुमसे कर रही है, अब भाई बता दो कि किसका प्रेम सही है किसका प्रेम गलत। अतीत की बातों को दोहरा कर आप वर्तमान को झुठला नहीं सकती बड़ी मां, और आज का सच यही है कि सुमन मेरी पत्नी है। ठीक है, तो फिर मार दो नंदन को।
बेचारा कैसे कैसे अपना जान बचाकर वापस आया है इस घर में, और जब से आया है तब से सुमन सुमन का रट लगाए पड़ा है। बता दो सब कुछ उसको, मर जाने तो उसको, यही चाहती है ना ये लड़की। जिसे जन्म दिया उसी को खा गई, अब अभी पूरा घर निकल जाएगी। बस कीजिए बड़ी माँ, नहीं जा जाता कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, झूठ किसी के लिए भी सही। कैसा झूठ, क्या सच छुपाया जा रहा है मुझसे समझ।